अरे सर आजादी कितने साल हो गए ठीक। देखिए भाई ये दिल पे ले लेते हैं, 70 साल मत, देखिए 70 साल को समझते हैं कि 70 साल सिर्फ कांग्रेस नहीं, सब दिल चले प्रवक्ता को मत बुलाया करिए। अरे ठीक है बोलिए, वो समीक्षा कर रहे हैं का कितना विकास हो गया है वो देख लीजिए, जो पैदल चलते थे चार घंटे से चलते हैं और 70 साल में जनता के लिए हॉस्पिटल विकास हुआ है ये दिखा रहा है। अब आते हैं एके मिश्रा जी के पास, घनेन जी एके मिश्रा जी के पास आते हैं राजनीतिक समीक्षक, उनको भी थोड़ा डिबेट में लाते हैं, उनको भी सुन लीजिए। एके मिश्रा जी, तीनों पार्टियों को आपने सुना, सबकी अपनी अपनी दलील है लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए, लेकिन ये जो आंकड़े हैं जो 2 लाख के पार चले गए और दिल्ली में एक दिन में 1500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, इसको देखते हुए अब चिंता ये हो रही है कि क्या इन हालात, इन विस्फोटक हालात के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार है या ऐसे एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं इस काम चल जाएगा। देखिए अंजलि, शुरू में जब 20-25 मरीज थे देश में, मैंने तब भी इस चीज को बोला था कि ये पैंडेमिक है और इसका मल्टी लेयर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, केवल ये नहीं। और उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि बड़े बड़े डॉक्टर, पक्ष विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि जो हेल्दी हैं उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे हंसी आ रही थी इस चीज पे। पैंडेमिक का बचाव, जो इन्फेक्शन फैलता है पता नहीं कौन इन्फेक्शियस है, कौन वेक्टर है, कैरियर है, कौन नहीं है, तो मास्क सबको लगाना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने, डॉक्टरों ने, सबने ये बोला कि भाई अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देखिए, ये जो विपदा का काल है इसमें भी आप इन सारे प्रवक्ताओं की आप राजनीति देखिए, कैसी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपका जो सवाल है, मैं बोलता हूं 70 सालों में डिफरेंट सरकारें रही हैं, कम या ज्यादा रही हूं, उन्होंने जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अगर मैं आपको बता दूं तो भारत में पर 1000 या जो भी नॉर्म होता है इंटरनेशनल या WHO के हिसाब से डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी सबसे कम है, बेड की अवेलेबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि बट नेचुरल है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, आप इसको ड्रॉबैक बोलिए या अच्छा बोलिए, तो हर चीजें जो रिसोर्सेज है बहुत कम है, हॉस्पिटल बहुत कम है, और इन सब चीजों की पोल ये खोल रहा है पैंडेमिक, कि हमारा ओवरऑल सिस्टम जिसको सारी सरकारों ने 70 साल में डेवलप किया है वो कितना सक्षम है। और ये रिजल्ट जो डाटा आप बता रहे हो ना, ये डाटा बता रहे हैं कि 70 साल में सारी सरकारों ने मिलकर कितना किया है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब हालत 6 साल मोदी वाला नहीं, सुनिए मैंने 70 साल बोला ना, मैंने 70 साल बोला है ना, 70 साल बीजेपी भी है, आप जाकर प्राइमरी में एडमिशन लीजिए और अरे तो 70 में वो भी आते हैं। अरे सर आजादी कितने साल हो गए इनको प्राइमरी स्कूल में भेजिए पहले ठीक। अरे सर आजादी कितने साल हो गए इनको प्राइमरी स्कूल में भेजिए पहले ठीक, पहले ये गिनती पढ़े, पहले भेजिए ठीक। हां जी, मोदी को भेज देते हैं 70 साल सर, मैं देश के प्रधान चुप था, नरेंद्र मोदी 2070 2014 में 70 साल को, सर मैं चुप था, अभी आपके अनुसार 2014 में नरेंद्र मोदी 70 साल बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अरुण जी, अरुण जी सुनिए, उन्होंने सभी सरकारों को बोला, सुनिए ठीक। अच्छा अरुण जी, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, देखिए भाई ये दिल पे ले लेते हैं, 70 साल मत, देखिए 70 साल को समझते हैं कि 70 साल सिर्फ कांग्रेस नहीं, सब दिल चले प्रवक्ता को मत बुलाया करिए। अरे ठीक है बोलिए, देखिए भाई ये दिल पे ले लेते हैं, 70 साल मत, देखिए 70 साल को समझते हैं कि 70 साल सिर्फ कांग्रेस नहीं, सब दिल चले प्रवक्ता को मत बुलाया करिए। अरे ठीक है बोलिए, ठीक है बोलने दीजिए, अरुण जी बोलने दीजिए, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, देखिए आप जो सुन भी नहीं पाते, अरुण जी बोले दीजिए, बोले दीजिए, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने देश और देश की जनता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शासक वर्ग एक अलग मैंने रखा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ देश की आजादी मिली थी तो इसीलिए मिली थी कि 70 साल के बाद कहीं किसी चीज से थोड़ा बढ़ा दीजिए, आज भी कहीं बाढ़ आ जाए, गर्मियों में जब लू चलने लगती है तो छोटे बच्चों को जो दस्त होता है ये अपने आंखों देखा हाल में बता रहा हूं, मेरे बचपन में यही हालत थी, बिस्तर नहीं होते थे, बच्चे लोग जमीन पे लिटाते थे, तो कहां डेवलपमेंट। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से,
पेंडेमिक से अगर बचना है तो जनता अपने आप प्रिकॉशन ले, आप थोड़ा होशियार बनिए। ये राजनेता लोग हैं, ये हर चीज में बहुत बढ़ के बोलते हैं। अगर ये मैनेजमेंट करने की क्षमता इनके अंदर होती ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ना राशन की कमी होती, ना पैसों की कमी होती सरकारों के पास, ना बिजनेस और इकोनॉमी डूबती और सब लोग आराम से घर चले भी जाते। कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिक्कतें नहीं आती, लेकिन इतना जो है पैनिक चीजें नहीं होती और इतनी राजनीति नहीं शुरू होती। मतलब सरकार की जो भी डिसीजन गलत था, अरे सरकार के ऊपर मैं तो 70 साल की बात कर रहा हूँ सर, विपक्ष का क्या रोल है? आप खुल के विपक्ष का क्या रोल है? आप क्यों, अरे कौन सा खुल, 70 साल मैंने बोल दिया, कौन से खुल की बात आप करवा रहे हो? देखिए अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरे अरुण जी, मैंने छुपा ली है, आप मुझे बताइए ना 70 साल में कितने सरकार भी फल रही है, 70 साल में देश में कितने डॉक्टरों की सरकार? अच्छा अरुण जी, अरुण जी, 70 साल में आपको क्या दिक्कत है? अगर वो सारी सरकारों की बात करते हैं, नहीं 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 अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, नहीं नहीं अरुण जी, उनको बोलने दीजिए, वो समीक्षा कर रहे हैं। गांव का कितना विकास हो गया है वो देख लीजिए, जो पैदल चलते थे चार्टर ट्रेन से चलते हैं, और 70 साल में जनता के लिए हॉस्पिटल का कितना विकास हुआ है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पेंडेमिक का रिजल्ट। नहीं मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, सवाल ये भी था कि आज जिस तरीके से 2 लाख के पार आंकड़े पहुंचे हैं, इन हालात से निपटने के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है? ठीक है, आपने एक आईना दिखाया, सभी राजनीतिक पार्टियों को दिल पिले गए 70 साल के नाम पर, ठीक है। अभी अभी जो 9 लाख आंकड़े पार करके कोरोना से लड़ने के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सक्षम है, और आप कहां तक तैयारियों को देख पा रहे हैं? मिश्रा जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कोरोना की बात करते हैं, नहीं मैं कोरोना की बात दिल पे ले लेते हैं, हालांकि आप छोड़िए, सारी पार्टियां रही हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं आज नहीं, 50 साल के बाद भी मैं जा रहा हूं, सुनिए, 50 साल के बाद फ्यूचर की भी बात करिए। कोरोना का पेंडेमिक का एक नेचर होता है, इसीलिए मैंने किसी सरकार विशेष को जो है ब्लेम नहीं किया है यहाँ पे, भले ही कोई अपने पे ले ले। होता क्या है, जब एक अनदेखी आफत आपके ऊपर आती है किसी देश के ऊपर, तो कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम तैयार नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ कोई उल्कापिंड आकर के गिर जाए तो क्या होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि इसके पहले भी भारत में इस तरीके की जो है व्यथाएं विपदाएं आ चुकी हैं, आजादी के पहले भी आई थी। साइंस का ये जाना माना चैप्टर है जिसको लोग जानते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, इसीलिए है जी। उसके अगेंस्ट भी हमारी अभी भी तैयारी नहीं है और अगले 10 साल बाद भी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। ये एक आईना दिखाया आपने सभी सरकारों को। दरअसल मिश्रा जी ने एक बड़ी बात बोली कि भाई आजादी से लेकर आज तक, अरुण जी बीजेपी सरकार तक जोड़ दे रहे, बीजेपी जोड़ दे रहे, खुश आप, बीजेपी सरकार तक की अगर आप बात करें तो हेल्थ व्यवस्था में जो अचानक से कोरोना ने पोल खोली, वो चाहे वो पहली सरकार हो या आज की हम बात कर लें मोदी सरकार हो, सभी सरकारों की पोल कोरोना ने खोल दी है। लेकिन अभी फिलहाल जो 20 दिन में 1 लाख के पार यानी टोटल 2 लाख लगभग 19,000 पहुंच गए हैं, उससे निपटने के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सतर्क है, कितनी तैयार है, अब लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक लिया, बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वो दिल्ली में है सर। अच्छा, हो रही है कि आपके हरियाणा दिल्ली में बैठे हो के दिल्ली का आदमी सीएम बन सकता है, दिल्ली का ज्ञान बोलिए, अरुण जी बोलिए। मिश्रा जी अब देखिए, लॉकडाउन 4 के बाद जब अनलॉक की तरफ हम बढ़े हैं, इन सब के बीच लॉकडाउन 4 से अनलॉक 1 तक में करीब 1,10,000 तक के आंकड़े बढ़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या जो दिल्ली में ढील दी गई लॉकडाउन 4 में, इसके बाद अनलॉक 1 में पूरी तरीके से दिल्ली को खोल दिया गया और आज जिस तरीके से एक दिन में 1513 मामले सामने आए हैं, आपको लगता है कि कोरोना विस्फोट दिल्ली में हो रहा है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? ये जो फैसला, ये थोड़ा लग रहा अभी जल्दबाजी में हो गया? देखिए मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली ये केवल दिल्ली की ही बात नहीं, बात हम पूरे देश की करेंगे। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, कुछ प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हाँ, मैं यहाँ जनता और देश की बात कर रहा हूँ, आपदा की बात कर रहा हूँ, राजनीति की नहीं जी। बहुत सारे एनजीओ ने बहुत लोगों की मदद की है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ जी। बहुत सारे डॉक्टरों ने मदद किया है, लोगों को खाना पहुंचाया है, और सरकार ने और विपक्ष ने मिल करके भी जो लॉकडाउन किया उसका एक रोल रहा है, नहीं तो अब तक ये विस्फोट हो जाता। रोल ये रहा कि जो संख्या इतनी लिमिटेड है और उसके बाद अभी विस्फोट नहीं हुआ। कुछ मैंने आपको बोला, अनसीन जब कोई आपदा आती है ना, जिसका पहले हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है कैसे करना है, तो जितना भी हो सकता था हम सभी ने बेहतरीन किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊंट के मुंह में जीरा है,
मैं बात आजादी के बाद के करता हूं कि वहां से लेके अभी तक हर आदमी को देखिए बेसिक कानून क्या है, संविधान क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये जो बेसिक चीजें हैं हर आदमी को फ्री में मिले ना, ये तो मूलभूत अधिकार है ना संविधान के, तो हम उसको भी डिलीवर करने में कोई भी सरकार अधिकतम या मैक्सिमम या 100% अभी भी उस कंडीशन में नहीं पहुंची है, इतना सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। और आपदा के मामले में ये 10,000 साल पहले से लागू है, देखना ये है कि, और ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में आपको लगता है कि जो ढील दिया गया है, ढील दिया गया, बिल्कुल देखिए जनता क्या है ना, अभी आप देखिए 2 दिन से मैं दिल्ली में रहता हूं, आता हूं, जब 2 दिन तक तो मास्क लगाए लोग दिखे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि नहीं, लग रहा है सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल है, बाजारों में लोग खड़े हैं, भीड़ लगा है। दे देता हूं, केवल सरकारों को पक्ष या विपक्ष को कोसने से बेहतर है, लोकतंत्र में जनता का भी अधिकार होता है तो उत्तरदायित्व होता है, हमारे जैसे लोगों, आप जैसे लोगों का होता है। जनता होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिग्नल तोड़ते चले जाओ और एक्सीडेंट हो जाए तो आप सरकार को दोष दो। जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उदाहरण यह है कि आजादी के समय में जब फ्लू फैला तो महात्मा गांधी जैसे महान नेता, जिनके पास वक्त की हमेशा कमी रहती थी, उनके बहुत सारे काम थे, सारे काम छोड़ करके वो क्वारंटाइन हो गए थे और शायद उनको 2 बार इन्फेक्शन हुआ था, 1 बार सही हुए फिर हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सरकार ने या स्वास्थ्य संगठनों ने जो गाइडलाइन दी है क्वारंटाइन रहने की, दूरी बनाने की, अगर जनता चाहेगी तो वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, केवल सरकारों के भरोसे और मेडिकल सुविधा के भरोसे। आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, सबसे पहले